मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में जिसमें कि हम आपको प्लस टॉपिक का अध्ययन करा रहे हैं, इस रस से रिलेटेड 10 रसों का वर्णन से संपन्न वीडियो हमने आपको प्रारंभ में प्रस्तुत की है, उसको देखेंगे। परंतु उसमें जो 11वां रस है भक्ति रस, वह उसमें नहीं है, जिसकी व्याख्या को लेकर माप सम्मुख उपस्थित हूँ, सुनिएगा। भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस जिसका कि स्थायी भाव होता है ईश्वर के प्रति रति यानी कि प्रेम भावना का होना। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी मनुष्य संसार के द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है, उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसकी मदद करने वाला जब कोई नहीं होता है, तब वह ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है और ईश्वर के प्रति उसके अंदर ये रति भाव उत्पन्न होता है, प्रेम भावना का जागृत हो जाना रति भाव कहलाता है। तो जब ये रति भाव ही ईश्वर के प्रति रति भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर जिस रस की उत्पत्ति करता है, उसका नाम भक्ति रस है। डियर स्टूडेंट्स, भक्ति रस का एक अनुभव एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, जिसके लिए कवयित्री मीराबाई ने लिखा है कि मेरो तो जाने मेरी दाल राखी मेरे पति सोई। तो उन्होंने कहा है कि संसार में गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई और नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, और जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट शोभायमान है वही मेरा पति है। तो इस पूरी उदाहरण में, पूरे एग्जाम्पल में जो मीराबाई की फीलिंग्स एंड भावनाएं हैं वो कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, इसी कारण से यहाँ पर भक्ति रस है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है।